आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा। अल्लाह लहराएगा, इंकलाब आएगा। कैजुअल लेबर नीड बेस पीडीएल टीडीएल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 72 घंटे की कॉल थी हमने उसे एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि जो हमारे मसले हैं जब तक वो हल नहीं होंगे हम आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये छोटी सी चिंगारी है, अब हमारे तमाम डेली वेजर भाई, जितने भी हमारे डेली वेजर भाई हैं वो भी सारे बाहर निकल के आ रहे हैं, वो भी अब इन कैजुअल लेबर नीड बेस के साथ हैं। हम चाहते हैं कि अब हम एक मिल के लड़ाई लड़ें कि अब ईंट से ईंट बजाने की बारी आ गई है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, हम अब एक ही प्लेटफॉर्म एक ही मंच पे लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मसले हैं जेन्युइन डिमांडें हैं। क्योंकि हमारे लोग जब काम करते हैं अपनी टांगे बाजू कट जाती हैं, बच्चे उनके दर दर होते हैं, मर जाते हैं। जैसे एक फैमिली का अभी एक दो दिन पहले मीडिया की तरफ से ही उनकी फैमिली को दिखाया गया, क्योंकि ये हमारे ऑफिसर उनको भी दबा के रखते हैं। वो मर गया है, नीड बेस पे लगा हुआ था, 3 बच्चे हैं, 3 का शेड है, उसकी घरवाली की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी देखे कल हमारे साथ भी हो सकता है, हम कोई भी देखेगा रोड के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा डिपार्टमेंट सोया हुआ है, हम चाहते हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं जेन्युइन है, जैसे 462 लोगों को लेके है, 407 लोगों को लेके है, 99 को लेके है, चाहे पेंडिंग वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेके है, रेगुलेशन पॉलिसी SRO 381 के तहत DPC होनी चाहिए टाइम टू टाइम। कश्मीर प्रॉमिस में अगर इन्होंने DPC टाइम टू टाइम सर्कल लेवल पे डिवीजन लेवल पे करते हैं, जम्मू में इनको क्यों प्रॉब्लम आती है? जम्मू के साथ ये भेदभाव ही है, क्योंकि हम पहले कहते थे एक विधान दो संविधान, अब तो एक ही रह गया, फिर भी हमें मजबूरन सड़कों पे निकलना पड़ रहा है, मजबूरन धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब हमारे दो परिवार पहले इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, अब हम अपना आगे परिवार अपने बच्चों का फ्यूचर दाव पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो मर चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। जब हम इस डिपार्टमेंट में आए थे उस टाइम हम नौजवान थे, अब बहुत सारे साथी हमारे जिन्होंने बाजू भी कटाई टांगे भी कटाई बूढ़े भी हो चुके हैं, अब हमारे पास यही है, जहाँ करो जहाँ मरो, अब हमारे पास मरने वाला ही है और कोई कुछ नहीं है। क्योंकि अब हम जो सिस्टम ये थोड़े दिन में हम अभी इसको उग्र प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन हमें मजबूर मत करें। हम सिन्हा साहब से कहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला लें, हमारे कमीशन साहब रोहित कंसल जी से भी हम ये कहते हैं, क्योंकि भाई हमारी एक MD मैडम, मैं बड़ी बार बोलता हूँ, अगर वो 2707 को बेजिस दे सकते हैं तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है PDD डिपार्टमेंट में। तो ये हमें दर दर हमारे साथियों को पार्ट बना देते हैं, कभी 462 407 99, क्योंकि ये इनको डिवाइड करने के लिए हर बार प्लान होता है। पहले हमारे साथ हुआ था जब हमारे सीनियर साथी थे, उस टाइम हमें नीड बेस कहा गया और हमें छोड़ा गया, अब ये 462 और 407 छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि ये भी हमारे भाई हैं, इनके भी मसले हल होने चाहिए, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं। और SRO 381 हमारे डिपार्टमेंट का है, हम चाहते हैं कि SRO 381 के तहत DPC हो, और जैसे कश्मीर प्रॉमिस में 2010 तक इन्होंने रेगुलर किए हैं, जम्मू में वैसा होना चाहिए, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं। जय हिंद, जय भारत।